हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पेट गुरु एंड ट्रेनर। तो आज हम आपसे बात करेंगे, लेपर्ड ने जब एक लेब्राडोर पर अटैक कर दिया तो लेब्राडोर डॉग ने अपनी जान किस तरह से बचाई। जैसा कि आप जानते हैं, लेब्राडोर बहुत ही प्यार करने वाले और लविंग डॉग होते हैं और ये अपने मालिक के साथ बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं और बहुत प्यार करते हैं। अक्सर लोग इनको हंटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये हेल्पर डॉग के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कुत्ते बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं जो अपने मालिक के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बना लेते हैं और ये बदले में मालिक से भी उतना ही प्यार मांगते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये एक कहानी है एक लेब्राडोर की। लेब्राडोर ये इंग्लैंड में एक आदमी ने इसे रखा हुआ था। ये आदमी जो है बेसिकली एक हंटर था। जब ये शिकार पर जाता तो अपने लेब्राडोर को साथ लेकर जाता। इसके पास मुख्तलिफ किस्म के लेब्राडोर थे, ब्लैक भी थे और वाइट और ऑफ वाइट कलर में भी लेब्राडोर थे। ये लेब्राडोर जिस पर अटैक किया गया ये उसका बहुत ही पसंदीदा और उसका पालतू डॉग था। ये उसके लिए बहुत सी खिदमात किया करता। ये जब वो शिकार पर जाता तो वह जब शिकार को शूट करता तो ये उसके शिकार को पकड़ कर उसके लिए ला के वापस रखता। इसीलिए ये उसका बहुत ज़्यादा पसंदीदा डॉग था और ये आखिर बच भी गया जब उस पर अटैक किया गया। आप इसके ज़ख्मों के निशानात देख सकते हैं जब इस पर लेपर्ड ने अटैक कर दिया था। वाकया कुछ इस तरह से हुआ कि ये अपने घर के बाहर सो रहा था कालीन बिछाकर, तो सीढ़ियों में से कहीं से एक लेपर्ड आन घुसा और लेपर्ड जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, हत्ता कि वो इसके बहुत करीब पहुंच गया और इसको खबर तक ना हुई। आखिरकार लेपर्ड इसके बिल्कुल सर के ऊपर आन पहुंचा और लेपर्ड ने इसको आहिस्ता से इसकी गर्दन के पास से जाकर दबोच लिया और ये बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगा। इसका मालिक चूँकि अंदर आराम कर रहा था, रात का टाइम था, इसकी आवाज़ सुनकर वो फौरन से बाहर आया और साथ में उसका एक साथी भी था। उन्होंने देखा कि लेपर्ड ने इस पर अटैक कर दिया है तो उन्होंने इसके पीछे जाकर इसे बचाया और फाइनली इसकी जान बच गई। आप ज़ख्मों के निशानात देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। नाज़रीन, अगर इसके मालिक ना आते तो ये किस तरह से अपनी जान बचाता कोई नहीं जानता। अगर वीडियो आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।